हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में घमोरियों के बारे में। घमोरियाँ, जिनको इंग्लिश में हम ही ट्रैश भी बोलते हैं, तो ये ज़्यादातर जो है तब होती है बच्चों को जब बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न होता है या फिर बारिश का सीज़न होता है, तब ये बच्चों में ज़्यादा होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब गर्मियाँ जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं और कुछ दिनों में जो है बारिश का सीज़न भी आने वाला है, तो इस टाइम पर बच्चों में घमोरियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बच्चों में घमोरियाँ जो है क्यों होती हैं, किस किस जगह पे हो सकती हैं, क्या कारण होते हैं इसके होने के, अगर हो जाएं तो आप क्या घर में उपचार कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि बच्चों को उससे राहत मिले। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें करने से हम जो है बच्चों को घमोरियाँ होने से बचा सकते हैं। देखिए, घमोरियाँ वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि घमोरियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं ये भी बताऊँगी कि क्या साइंस या क्या ऐसे लक्षण आपको दिखें बच्चे में, तो आपको जो है उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएंगे और बच्चों में जो घमोरियाँ हैं अगर हो गई हैं तो उनको आप ठीक से क्योर कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से उनको सही कर पाएंगे, और अगर नहीं हुई है तो आप उनको होने से रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि घमोरियाँ जो हैं वो क्या होती हैं। घमोरियाँ आप देखेंगे कि बच्चे के शरीर में कई जगह पर जो हैं, या माथे पे, गर्दन पे, कमर पे, या फिर कभी कभी डायपर एरिया में भी जो है बच्चे को दाने हो जाते हैं, वो दाने लाल भी हो सकते हैं, तो इनको ही हम घमोरियाँ या फिर हीट रैश बोलते हैं। तो ये क्यों होती है पहले ये जानते हैं। घमोरियाँ क्या होती हैं, देखिए आपके जो बेबी है उसके भी स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि जो पसीना कंट्रोल करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो अभी अच्छे से डेवलप या विकसित नहीं हुए हैं, तो उनको ये चीज़ अभी नहीं पता है कि टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है। तो क्या होता है, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर ह्यूमिडिटी, जो बारिश वाला सीज़न होता है, इस टाइम पर जब बच्चे को पसीना आता है, तो वो जो उसके शरीर में जो पसीने वाले जो पोर्स होते हैं, स्किन के जो पोर्स हैं, वो पसीना आने से ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उस जगह पे जो है दाने निकल आते हैं। तो यही दाने जो है घमोरियाँ होती हैं, जिससे कि बच्चे को काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये एक रीज़न है कि बच्चे को घमोरियाँ क्यों होती हैं, ये पसीने की वजह से जो उनके पोर्स स्किन में होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे बच्चे को घमोरियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा घमोरियाँ होने का एक और कारण क्या होता है, इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से बच्चे को उस जगह पे घमोरियाँ हो जाती हैं। वो इन्फेक्शन किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप जो कपड़े बच्चे को पहना रहे हो वो साफ़ नहीं धुले हैं, वो गंदे हैं, या जिस बेडशीट पे बच्चा लेटा हुआ है वो साफ़ नहीं धुली है, या फिर अपने बहुत दिनों से चेंज नहीं किए, वहाँ बैक्टीरिया आ गया है, वो बच्चे की स्किन में कॉन्टैक्ट में आ गए, उस जगह पर इन्फेक्शन हो गया और फिर घमोरियाँ हो गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें, वरना बच्चे को घमोरी हो सकती है। तो बैक्टीरिया भी एक कारण होता है बच्चों को घमोरियाँ होने का। अब बात करते हैं कि बच्चे को घमोरियाँ होने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, बच्चे को हमें ठंडक में रखना है, ठंडा माहौल बच्चे को देना है, ताकि देखिए जब ठंडक मिलेगी, बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी, तो घमोरियाँ होने के चांसेस वैसे भी जो है कम हो जाएंगे। तो ठंडा माहौल आप कैसे दे सकते हो बच्चे को, कि बच्चे को घर में आप, अगर आपके AC है तो आप वो यूज़ कीजिए, कूलर आप चला सकते हैं ताकि बच्चे को ठंडक मिले। इसके अलावा अगर जब AC या कूलर जो है नहीं चला रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में जो है वेंटिलेशन आ रहा, मतलब अच्छा हवादार जो है घर हो, ताकि पसीना आने के चांस ना हो, बच्चे को गर्मी ना लगे, बच्चे को ठंडा माहौल मिले। AC या कूलर यूज़ करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को डायरेक्ट उसके सामने नहीं रखना है, सीधे हवा नहीं लगनी चाहिए बच्चे को, वरना बच्चे को जो है कभी कभी सर्दी लगने के चांस होते हैं। तो AC या कूलर बच्चों को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या सही तरीका है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं अपने बेबी के लिए, तो एक वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई ऑलरेडी, आप यहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट है कि बच्चे को ठंडक आपको देनी है, ठंडा माहौल देना है, बहुत ज़्यादा गर्मी बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। अगर आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो बच्चे को घमोरियाँ होने से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को जो है हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि बच्चे को ज़्यादा तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो है ज़्यादा देना है। देखिए, इस टाइम पे जब गर्मी होने से बच्चे के शरीर से बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पानी पिलाना है।
अगर आपका बच्चा छोटा है, 6 महीने से छोटा है, तब आप बच्चे को अपने ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा जल्दी जल्दी मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए, ताकि बच्चे को जो पानी की कमी होने का चांस होता है वो नहीं हो। अगर आपका बच्चा जो है 6 महीने से बड़ा है, या फिर फॉर्मूला मिल्क या फिर सॉलिड स्टार्ट कर दिया उसने, तो आप बच्चे को जो है पानी उबाल कर बॉयल करके उसको दीजिए, थोड़े थोड़े इंटरवल पर उसको जो है पानी पिलाते रहिए। साथ ही साथ आप बच्चे को और भी लिक्विड्स दे सकते हो, जैसे कि बच्चे को छाछ बना कर दे सकते हो, आप नींबू पानी दे सकते हो, आप जो भी कोई फ्रूट है घर में और बच्चा कभी कभी गर्मी में नहीं खाते हैं खाना, तो आप उसको जूस बना के उसको दे सकते हो, ताकि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं हो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है और घमौरियाँ तो होंगी ही। तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि पीयू के केस में इस टाइम पे गर्मी के मौसम में मैं उसको शिकंजी बना के दे देती हूँ। पानी में मैं इसको नींबू, चीनी, नमक थोड़ा सा डाल के दे देती हूँ, तो उसको वो टेस्टी भी लगता है और वो जो हाइड्रेटेड भी वो पूरे दिन रहती है। तो ये ध्यान रखिए अपने बच्चे को इस सीज़न में हाइड्रेटेड रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के लिए कपड़े आपको जो हैं सही सेलेक्ट करने हैं। सही से मेरा मतलब है कि गर्मियों में बच्चों के लिए आप सूती कपड़े जो हैं सेलेक्ट कीजिए, यानी कि जो प्योर कॉटन है वही कपड़े जो हैं बच्चों को पहनाइए। जो पॉलिएस्टर और नायलॉन वगैरह के कपड़े हैं वो मत पहनाइए, क्योंकि सूती कपड़े जो हैं पसीना सोख लेते हैं, अच्छे से बच्चे को हवा लग पाती है उसमें। साथ ही जो पॉलिएस्टर नायलॉन वगैरह कपड़े होते हैं उसमें बच्चे को वो जो पसीना है वो नहीं सोखते हैं, और बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो बच्चे को हवा नहीं लग पाएगी। तो आप कोशिश कीजिए बच्चे को जो है कॉटन के कपड़े ही पहनाइए, और थोड़े ढीले कपड़े पहनाइए। गर्मियों में आप स्लीवलेस कपड़े पहना सकते हो, शॉर्ट्स पहना सकते हो, बहुत ज़्यादा पजामियाँ या फिर पूरी पूरी जो कवर टी शर्ट्स होती हैं वो पहनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप बच्चे को एसी या कूलर में सुला रहे हैं तब आप बच्चे को पहना सकते हो, पर ध्यान रखें कि वो कपड़े जो हैं प्योर कॉटन के होने चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में आप बच्चों के जो डायपर हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मैं यही बोलूँगी कि नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो है बच्चे को, अगर आप बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करेंगे तो गर्मी बच्चे को लगेगी और उससे बच्चे को जो है पसीना वगैरह आएगा, उससे जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और बच्चे को डायपर एरिया में भी घमौरियाँ होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो बच्चों के लिए सही कपड़ों का इस्तेमाल, बच्चे को सही ठंडक मिले उसको, कपड़े आप कॉटन के पहनाइए, प्योर कॉटन के, तो इस तरीके से भी आप बच्चे में घमौरियाँ होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि हमें जो है बच्चों की स्किन को जो है ठंडा और साफ रखना है। देखिए ठंडे का आप कैसे रख सकते हैं बच्चे के स्किन को, गर्मियों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है और कई पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो है कि बच्चों के लिए ऑयल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। आपको ऑयल जो है बहुत सोच समझ कर यूज़ करना है। गर्मियों के सीज़न में जो बहुत ज़्यादा ऑयली तेल होते हैं, जिससे कि बच्चे की स्किन पे जो पसीना आने से वो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ करोगे, तो आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली जो मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आने से जो पोर्स ब्लॉक करने वाले ऑयल हैं या तेल हैं वो यूज़ नहीं करना है। गर्मियों में जैसे मैं बताती हूँ कि नारियल तेल बेस्ट है, तो आप वही यूज़ कीजिए। कभी कभी लोग घी लगा देते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं। देखिए गर्मियाँ वैसे ही बहुत हैं, या फिर जो बारिश का सीज़न होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है जिससे कि बच्चों के जो स्किन के पोर्स हैं वो ब्लॉक हों। तो गर्मियों में आप नारियल तेल यूज़ कीजिए, वो बेस्ट है। साथ ही गर्मियों में जो क्रीम्स और लोशन आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप ध्यान से यूज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए, और कम से कम ही यूज़ करें। दिन में एक बार लगा दिया ठीक है, और तो कम क्वांटिटी में यूज़ करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्रीम वगैरह लगाएंगे उससे जो है बच्चों के पोर्स जो हैं क्लॉग हो सकते हैं, वो बंद हो सकते हैं, और इससे जो है बच्चे को घमौरियाँ हो सकती हैं। साथ ही अब बच्चे को स्किन को साफ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आप बच्चे को जब भी नहला कर लाते हैं तो जो टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए। आप जिस बेडशीट में बच्चे को लटा रहे हो वो साफ़ होनी चाहिए। उसके जो कपड़े पहना रहे हो वो अच्छे से साफ़ होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, उसमें कोई नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है और इससे भी घमौरियाँ हो सकती हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि सुबह की धूप में आप बच्चे को डेली बैठाइए। जो सुबह 8:30 तक की जो धूप होती है वो बच्चे को ज़रूर दीजिए। इससे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने के जो चांस अगर बच्चे को हो भी रहा है तो वो भी नहीं होगा, और सुबह की धूप वैसे भी बच्चे के लिए अच्छी होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अब बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं तो क्या चीज़ें करने से जो है आपके बच्चे की घमौरियों में जो है आराम मिलेगा। देखिए सबसे पहली चीज़ है आइस, यानी कि बर्फ़। तो बर्फ़ के टुकड़े जो आप कुछ कपड़े में रख लीजिए, और उसके बाद उस जगह पे हल्के हल्के हाथ से जो है आप उसको लगाएंगे तो बच्चे को घमौरियों में आराम मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है उसको, और दिन में 2-3 बार जब आप करोगे तो बच्चों के घमौरियों में जो है आराम मिलेगा।
दूसरी चीज़ होता है ओट्स, यानी कि जई का आटा। इसमें क्या होता है कि जो ओट्स मिलते हैं मार्केट में, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एकदम ऑर्गेनिक ओट्स आपको यूज़ करने हैं, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ना हो, किसी भी तरह के केमिकल ना हो, क्योंकि बच्चे की स्किन पे आप वो यूज़ करने वाले हो। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसका प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो ओट्स आप फिर मंगा रहे हैं ऑर्गेनिक वाले, उनको जो है आप अच्छे से पीस लीजिए, उसका एकदम आटा जैसा बना लीजिए, और जिस पानी में बच्चे को नहला रहे हो उसमें एक कप के करीब जो है वो आटा डाल दीजिए। जो आप डाल देखोगे कि बच्चे जब उसमें आप डाल रहे हो टब में वो आटा, तो थोड़ा सा जो है पानी जो है सफ़ेद हो जाएगा थोड़ा। उस पानी से बच्चे को जब नहलाएंगे तो बच्चे की घमोरियों में जो है काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि खीरा आप लगा सकते हो बच्चे की स्किन पे, खीरे के स्लाइस काट के, और मतलब के टुकड़े थोड़े से काट के, और बच्चे के उस जगह पे लगाइए जहाँ पे बच्चे को दाने हो रहे हैं। तो इससे बच्चे की स्किन को ठंडक मिलेगी और घमोरियाँ जो हैं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देखिए, जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो तो उसके जो शरीर है, उसके बॉडी को आप बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है टावल से। बहुत ज़्यादा कई लोग जो हैं बहुत रगड़ देते हैं, तो इससे जो घमोरियाँ और फैल जाती हैं और उसमें और दिक्कत होगी। तो आपको ये नहीं करना है, बच्चे को नहलाने के बाद बहुत हल्के हल्के हाथ से जो है उसको पोंछना है, और रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और उसको अच्छे से खुले कपड़े पहनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आप देखोगे कि बच्चों की घमोरियों में जो है काफ़ी आराम मिलेगा। किस चीज़ के होने पे आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को घमोरियाँ होने के बाद बच्चे को फीवर आ रहा है, ठीक है, और उस वो फीवर जो है ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको लग रहा है कि घमोरियों में जो है पस बन गया है, मवाद बन गया है, और वो जो है पूरे शरीर पे जो है फैलता ही जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आपको जो है बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। या फिर आप देख रहे हैं कि बच्चे के शरीर में जो घमोरियाँ थी वो कम होने की बजाय या तो उतनी ही हैं या फिर और बढ़ती जा रही हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, तो भी आपको जो है डॉक्टर के पास बेबी को लेके जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, और जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चों को घमोरियों से कैसे बचा सकते हैं, अगर बच्चे को घमोरियाँ हो गई हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए, इस सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें मैंने बेबी की स्किन केयर या बेबी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे उसकी शैम्पू, क्रीम्स, बेबी के टॉयज़, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें जो मैं पीहू के लिए यूज़ करती हूँ, या फिर मदर केयर की बेल्ट वगैरह हो गई, या मदर के हेयर केयर, स्किन केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट की एक लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम पर डाली है, जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और जो मैं पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ। तो कई लोग मुझसे इसके बारे में पूछते हैं कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, हम कैसे ख़रीद सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वो देख सकते हो। या फिर आप कोई और प्रोडक्ट है जो आप जानना चाहते हैं या फिर आप खरीदना चाह रहे हैं पर आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप हेल्प चाहते हैं मेरी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस ग्रुप में वो प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दूं। ये आप लोगों की हेल्प के लिए, आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और देखिए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।